ऑल राइट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन एक्वा बॉय, बैक विद अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज के वीडियो में हम जा रहे हैं नर्मदा एक्वेरियम। काफ़ी टाइम हो गया, वहाँ पर हमने फिश कलेक्शन की और शॉप टूर नहीं बनाई, तो आज थोड़े एक्सेसरीज और फिश कलेक्शन देखेंगे, बिकॉज दैट्स अ पीस व्हेन यू गो एंड सी लॉट ऑफ फिशेज टुगेदर। और वहाँ निकलने से पहले जल्दी जल्दी से अपना एक क्विकली से ग्लिम्स दे देता हूँ अपनी कलेक्शन का, फिर हम शॉप की तरफ निकलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये रहा हमारा बालकनी पॉइंट को इस तरीके से देखते हुए। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो ये फिल्ट्रेशन सिस्टम मैंने खुद बनाया था यहाँ पर, ऐसे पूरा नेचुरल लुक देने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें बड़ी वाली शार्क है ब्लैक, और ये अपनी एल्बाइनो है, एंड दीज आर ऑल द कोई कार्प्स एंड सुपकिन्स मिक्स टुगेदर। कोई अगर एक आधी सुपकिन अच्छी लगी तो वो भी लेके आ जाएंगे हम। तो दिस इज़ द बालकनी पॉइंट, चलिए अब जल्दी से अंदर चलते हैं। दिस इज़ माई पैरट एंड सिकलेट 3 फीट टैंक, कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं। एंड सो ये 5 कलर सिकलेट, दिस इज़ येलो फ्लोरॉन, तो देखिए काफ़ी एक्टिव और काफ़ी तेज भागते हुए। एंड दोज आर द पैरट्स, द रेड पैरट, येलो पैरट एंड द ब्लू सिकलेट। एंड ये पूरा फूड कलेक्शन है, और ये रही है हमारी फ्लोरॉन जो मस्त घूमते हुए। चलिए अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले आपको हाय बोल रहे हैं ये हमारे टर्टल मास है इसके अंदर, और वो रहे 2 बड़े शार्क्स हमारे, और एक सिकलेट है, पता नहीं कहीं छुपी होगी। और ये रहे हमारे चिकू एंड चीकू, तो दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं। एंड ये हमारे यहाँ पर 4 मास है, एंड वो रहे पीस। तो ये सब यहाँ पर इस तरीके से बैठे हुए हैं। एंड दीज आर आर मोली का पीस, तो आप देख पाए। बाय द वे गाइस, अगर कुछ अच्छी सी सुपकिन दिखेंगी तो हम सुपकिन भी लेके आ जाएंगे, और थोड़ी थोड़ी बॉडी भी बन रही है, शो ऑफ कर रहा हूँ। पहली फुर्सत में निकाल। पहुंच चुके हैं हम शॉप पे, और चलिए अब अंदर चलते हैं। से हाय टू राघवन भाई। तो हम पहुंच गए नर्मदा एक्वेरियम। तो आज जो कलेक्शन है, जल्दी जल्दी से हम उनके प्राइजेस जानते हैं और क्वांटिटी कलर्स देखेंगे, प्लस ऑल्सो जो इनका दूसरा गोडाउन है हम वहाँ पे भी जाएंगे। इन्होंने ऑलरेडी जो बड़ा सा 1 फीट एक्वेरियम, 7 फीट एक्वेरियम है, उसमें पानी भर दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम उसमें जैन गुरामी ऐड करने वाले हैं, और प्रॉब्ली एक आधी बड़ी फिश भी ऐड कर देंगे। तो चलिए जल्दी से शॉप का टूर लेते हैं। तो गाइज, यहाँ पे देखिए बड़ी प्यारी सी सारी कार्प्स हैं, और मोस्टली एक यूनिक सी कार्प है जो जिस पे वो फुल वाइट है लेकिन उसका हेड रेड है, वो देखिए, वो ये वाली अगर आप देख सकते हैं। तो इट्स अ वाइट कार्प बट देन विद अ रेड हेड। तो राघवन भाई, तो इनके क्या प्राइजेस हैं? 180 है ये, 180 का पेयर है। ओके, काफ़ी एक्टिव और बढ़िया है। मेरा मन तो था वो लेके जाऊँ लेकिन मैं अभी नहीं ले जा रहा, क्योंकि अभी थोड़ा सेट होता, बिकॉज एक टू एक धीरे धीरे सेट करना भी, अभी क्लाइमेट भी थोड़ा ये ना। इसमें रघुवन भाई, इसमें टिन फॉइल है ना, बड़ा साइज का, और प्लस 500 पेयर, बड़ा सा, काफी बड़ा साइज है। और फिर ये शार्क्स भी 250 पेयर। अच्छा, ये काफी अच्छा खासा साइज है, और ये 75 का पेयर है, और काफी डिसेंट साइज है। ये मैक्सिमम साइज है? नहीं, थोड़ा बड़ा साइज ही है। हाँ। अभी बड़ा आता है वो थोड़ा रेट ज्यादा होता है। ओके, ये पैरेट, ये पैरेट और सिकलेट 250। ओके, 250 का सिकलेट पैर। हाँ। वो वाला कौन सा सिकलेट है भाई? कुछ मिक्स आ गया हो। अच्छा, ऐसा है। हाँ, क्योंकि उसमें वो भी पता नहीं सिकलेट और कुछ मिक्स, फिर गुरामी का मिक्स लग रहा है वो। ये हमारे एंजल फिशेस हैं, और काफी प्यारे कलर दिखते हुए आप देख सकते हैं। तो इनका क्या प्राइस है? 120 का। और सिल्वर शार्क है 250। अच्छा, वो बाला शार्क भी बोलते हैं ना उसको? 250। ये मोली 25। ये मोलीज हैं हमारे, प्रॉब्ली प्लान है कि इस पूरे मोली स्टटल में डालेंगे, देखेंगे बाद में। तो बता दें ये 40 रुपीज़ पे सर सर। एंड देन वी हैव दिस टाइगर बॉक्स, इनका क्या? 30 रुपीज़ पे। ग्रीन टाइगर भी है। ओके, अच्छा वो ग्रीन है। हाँ। तो इनका 30 रुपीज़ है, राइट? हाँ, इसका 60 रुपये, और ये 75 ग्रीन। हाँ।
तो यू कैन गाइस सी द डिफरेंस कि इसमें ग्रीन या नियॉन का लेयर है, नियॉन कलर है तो ये रेगुलर है और ये नियॉन और ग्रीन टाइप का, और ये ओरिंडा फिशिंग 150 का है। ओके एंड दीज आर द गोल्ड फीडिंग गोल्ड है, फीडिंग गोल्ड। इनका क्या प्राइस है? 25 यूनिक है ये, आप देख सकते हैं, ये देखिए बबल आए बिल्कुल बबल जैसे दिखते हुए। ये जीब्रा, जीब्रा 35 पर है, ये 35 और टेट्रा है, कलर टेट्रा वो 75। ओके इसमें बड़ा है वो 120। ओके ये बड़े वाले हैं, हाँ 120। थोड़ा ब्लर दिख रहा है, ये ग्लास बहुत साफ है ना अंदर से। इसके बाद ये रे गपीस, गपीस और मेल फीमेल है 50 पर, 50 रुपीस पे नॉर्मली मामले। तो ये हमारा नॉर्मली थोड़ा बड़ा साइज है, 30 रुपीस पे। और इसमें ये जैन गोरा, जैन गोरा में भी है वो 350 सिंगल। तो जैन गोरा में और ब्लैक होल। सो गाइस डू कमेंट, मेरा मन तो कर रहा है कि जैन गोरा में वापस से लूं, तो कमेंट डाउन इफ आई शुड गेट अनदर जैन गोरा में। ये पूरा गोल्डन गोरामी पोले, पहले मेरा पास गोरामी का पूरा सेपरेट कलेक्शन रहता था। इनका क्या प्राइस है? उसका 60 रुपये टोटल, या तो 40। अच्छा तो ये फाइटर फिशेस का कलेक्शन है जो आप देख सकते हैं। वाह ये देखिए गाइस, ब्लू वाली सबसे एक्टिव दिखती है। यहाँ पे और कलेक्शन ये देखिए आप, तो इनका फाइटर्स का क्या प्राइस है? फाइटर्स का 200 150 का भी आता है। अच्छा क्योंकि गाइज आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल कलेक्शन फॉर बेटा फिशेस, मेरे को सबसे प्यारा तो ये लगा। नॉट ओनली बेटा, यू कैन इवन हैव अ स्मॉल सेटअप फॉर दी, बिकॉज सबसे पहले लाइट का सेटअप है एंड यू कैन हैव स्मॉल गप्पीज का सेटअप विथ प्लांट्स, बट यहाँ पर ये डिफरेंट एक सिंगल है, ये पार्टीशन वाला है, देन दैट्स वन। बट स्पेशल बात ये है कि राघवन भाई इस पे दे रहे हैं डिस्काउंट, ये 140 का। ओके एक्चुअली इनका MRP इज अराउंड 350 to 400, बट ही सेलिंग इट फॉर 140 ये हो गया, ये 180 लगा दो। ओके 180 इसको आके काम करो, इसको 220 वो 240 इतना सस्ता प्राइस मिलेगा क्या? और इसका इसका कितना? इसका वो 230 डाल दो, 230 ये सेटअप गाइस 230 ट्रस्ट मी, ये इजीली आपको बहुत कॉस्टली मिलते हैं बट ये बहुत रीजनेबल प्राइस है। तो गाइज अब चल रहे हैं हम गोडाउन में और 7 फीट एक्वेरियम का स्टेटस देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम उसमें डालने वाले हैं गोरामी। तो चलिए अब चलते हैं गोडाउन। तो गाइज पहुंच गए हम गोडाउन में, ये आप देख सकते हैं, और फाइनली इतने दिनों के बाद कंट्रोल अभी रेडी, अच्छा खासा काफी प्यारा लग रहा है वो, मैं आपको दिखाता हूँ। बट उससे पहले आप ये देख सकते हैं कि पूरा गोडाउन ऑलमोस्ट टफ हो गया है। प्लस मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, रघुवन पकड़ो ये वाले पकड़ो, तो ये कुछ नए फ्लोरम के फूड आए हैं ये देखिए, और काफ़ी सही पैकेजिंग है, अच्छा क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी और बॉक्सेस हैं। इनका क्या प्राइस है वैसे भैया? इसका 850-750 आता है। अच्छा इतना कॉस्टली है ना, बट नहीं अच्छा है, उसमें डुप्लीकेट नहीं आता। अच्छा हाँ, तो आई थिंक इसमें डिफरेंट 3 डिज़ाइन के हैं, एक रेड कलर के लिए है सब। तो बाकी चलिए मैं अब आपको टैंक दिखाता हूँ जिसमें हम जैन गोरामी डालने वाले हैं। तो गाइज ये है मेरा हाथ और आप देखिए 7 फीट का एक्वेरियम, फिल्ट्रेशन उन्होंने ऑलरेडी लगा दिया है, और ये रहा ये देखिए आप रघुवन वहाँ खड़े हो एक सेकेंड तो पता लगेगा कि देखिएगा कितना बड़ा है ये देखिए। तो उनका हाथ भी पूरा नहीं पहुंच रहा है, और ये
अच्छा खासा बड़ा है, तो अभी खड़े होके दिखाएंगे कि ये देखिए हाथ, हाँ हाथ में भी नहीं पहुंच रहा है। और ये इतना बड़ा पूरा ये टैंक रहेगा जो जिसमें हम अब लाएंगे जाइंट गुरामी, और इसमें सिर्फ बड़ी बड़ी कलेक्शंस हम डालेंगे डिस्प्ले के लिए। बाय द वे ये आपने टैंक देख लिया, तो ये मैंने इनसे प्रॉमिस ले लिया है कि हम जो भी इसमें बड़ी फिश डालेंगे उसको सेल नहीं करेंगे, एटलीस्ट वन ईयर उसको सिर्फ डिस्प्ले के लिए डालेंगे, ताकि हम उसको बड़ा होते हुए देखेंगे और अच्छी अच्छी कुछ चार पांच बड़ी मॉन्स्टर फिश डाल के इसको हम छोड़ देंगे। तो गाइज ये था वीडियो और नंदिता एक्वेरियम काफ़ी दिनों बाद जो हमने आज शॉप टूर किया, प्लस एक्साइटेड फॉर द न्यू गोडाउन विच इज़ कमिंग अप, और जो हमने आपको 7 feet का एक्वेरियम दिखाया है उसमें हम ऐड करने वाले हैं जाइंट गुरामी, एंड ऑल्सो ही हैज़ अ गुड सम टर्टल सेटअप्स फॉर द बिगिनर्स। थोड़ा सा कॉस्टली है जब भी है वो नेक्स्ट वीडियो में पता लग जाएगा, बट इट्स अ काइंड ऑफ अ गुड थिंग टू स्टार्ट ऑफ विथ। बाकी आप स्टे ट्यून्ड रहिए एंड डू सब्सक्राइब अगर आप पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, बिकॉज अब जो हम 7 feet का एक्वेरियम है उसमें प्लान है कि हम बहुत सारी मॉन्स्टर फिश उसमें हम ऐड करने वाले हैं, और धीरे धीरे हम उनकी ग्रोथ देखेंगे, एंड आई एम ऑलरेडी एक्साइटेड, आई होप यू आर टू। बाकी टिल देन आप अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, आसपास ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।